हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्नातिफ तिखार और हमारी आज के एपिसोड हमारी टू डू एप्लीकेशन सीरीज की सेकंड एपिसोड है। इससे प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने रिएक्ट के फ्रेश एप्लीकेशन को अपने इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था और इसके अलावा कुछ यूजलेस फाइल्स को डिलीट किया था और कुछ यूजफुल फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट किए थे। हमारी आज के एपिसोड में हम लोग कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स अपनी स्टूडियो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्रिएट करेंगे और उन तमाम कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लेआउट अपनी स्टूडियो एप्लीकेशन का डेवलप करेंगे और कुछ यूजफुल पैकेजेस भी हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे। हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। चलिए अब हम लोग हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, ये हमारी टू डू एप्लीकेशन है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। अगर हम लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन के फीचर्स के ऊपर बात करें सो यहाँ पर इस वक्त हमें एक इनपुट फील्ड शो हो रही है और उसके साथ एक बटन शो हो रहा है और उसके अलावा एक मैसेज जिसमें लिखा हुआ है टू डू बॉक्स इज एम्प्टी, क्रिएट योर फर्स्ट टू डू नाउ। और यहाँ पर जो हमारा ऐड बटन है वो इस वक्त डिसेबल है बिकॉज जो हमारी इनपुट फील्ड है इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। जैसे ही मैं अपने इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखूंगा, जैसे ए बी सी टेक्स्ट लिखा मैंने, सो हमारा ये ऐड बटन अनेबल हो गया है। सो चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट टू डू क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट और यहाँ पर ऐड बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा सो मेरा ये टू डू क्रिएट हो जाएगा। सो देखिए मेरे फर्स्ट टू डू यहाँ पर क्रिएट हो गया है और चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना एक और टू डू क्रिएट कर लेता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग और ऐड बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो देखिए मेरे सेकंड टू डू भी यहाँ पर ऐड हो गया है और मैं चाहूँ तो इन दोनों में से किसी एक टू डू को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाले टू डू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो देखें वेबसाइट डिजाइनिंग वाला टू डू यहाँ पर रह गया है और जितना भी मेरा डाटा यहाँ पर मुझे शो हो रहा है वो पहले फायरबेस के अंदर स्टोर हो रहा है और फिर बाद में यहाँ पर रिट्रीव होकर हमें शो हो रहा है। सो ये हमारा डाटा परमानेंटली यहाँ पर हमें शो रहेगा अगर मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश भी करता हूँ। सो चलिए मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी जो टू डूज मैंने क्रिएट किए हैं मुझे यहाँ पर शो होंगे कि नहीं होंगे। मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, प्लीज वेट वी आर ट्राइंग टू फेचिंग योर डाटा। और यहाँ पर उसके बाद मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग वाला मेरा टू डू शो हो रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पर क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा सो अगेन मेरा टू डू यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड अगेन मुझे यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा टू डू बॉक्स इज एम्प्टी, क्रिएट योर फर्स्ट टू डू नाउ। अगर आप लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं सो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक को विजिट करके आप लोग इजिली इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं और टू डूज क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन के लिए कुछ यूजफुल पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट पैकेज इंस्टॉल करूँगा वो है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का पैकेज। एंड ये बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे सो CMD के ऊपर आपकी उस एप्लीकेशन का पाथ लाजमी ओपन होना चाहिए। सो अब मैं यहाँ पर कमांड रन करता हूँ npm i styled कंपोनेंट्स। ये स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का पैकेज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करेंगे। सो मैं एंटर हिट कर देता हूँ एंड ये पैकेज की इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, हमारा ये स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का पैकेज परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग अपना सेकंड पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो होगा रिएक्ट आइकन्स का पैकेज, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट आइकन्स को शो करवाएंगे हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन ऐप के ऊपर। सो मैं यहाँ पर कमांड रन करता हूँ npm i react icons एंड एंटर हिट कर देता हूँ। सो हमारे सेकंड पैकेज की इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गई है। गाइस, अब मैं अपने थर्ड पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ जो होगा UUID का पैकेज, जिसके थ्रू मैं रैंडम IDs जनरेट करवाऊँगा अपने डिफरेंट टू डूज़ के लिए। सो मैं यहाँ पर कमांड रन करता हूँ
npm i uuid एंड एंटर हिट कर देता हूँ। अब हमारे इस लास्ट पैकेज की इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, हमारे ये तीनों पैकेजेस परफेक्टली इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम लोग हमारी सीरीज को ऑनवर्ड कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को हमारी करंट रेक्ट एप्लीकेशन दिखाऊं, सो ये हमारी करंट रेक्ट एप्लीकेशन है और यहाँ पर जो आप लोग टेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्ट एप्लीकेशन, ये बेसिकली हमारी app.js फाइल से फेच होकर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके अलावा जो आप लोग यहाँ पर 3 फोल्डर्स देख रहे हैं, कंपोनेंट्स, कंटेनर्स, पेजेस एंड इसके अलावा एक firebase.js की फाइल, ये फोल्डर्स एंड फाइल्स हम लोगों ने हमारे से प्रीवियस एपिसोड में क्रिएट किए थे। और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब कंपोनेंट्स हम लोग कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे एंड इसके अलावा कंटेनर्स फोल्डर के अंदर हम लोग अपने तमाम के तमाम लेआउट्स रखेंगे एंड पेजेस फोल्डर के अंदर ऑब्वियसली हम लोग अपने तमाम के तमाम पेजेस रखेंगे। एंड जब हम लोग Firebase को अपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे तब हम लोग firebase.js फाइल का यूज़ करेंगे। सो फिलहाल हमारी आज के इस एपिसोड में हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे एंड उन तमाम कंपोनेंट्स को मिलाकर हम लोग एक कम्प्लीट लेआउट स्ट्रक्चर हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन का बिल्ड करेंगे एंड उस लेआउट को हम लोग पेजेस में एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल के अंदर हम लोग उस लेआउट को अटैच कर देंगे एंड फिर हमारे उस पेज को, जिस पेज के अंदर हम लोगों ने लेआउट को अटैच किया होगा उस पेज को हम लोग app.js फाइल के थ्रू शो करवाएंगे। सो फिलहाल हमारे इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक टू डू का कंपोनेंट है एंड इसके अलावा एक index.js की फाइल है। हम लोग अपने तमाम कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट्स को इस index.js फाइल के थ्रू हैंडल करेंगे एंड इस टू डू कंपोनेंट के अंदर 4 सब कंपोनेंट्स हैं एंड इसके अलावा एक index.js एंड एक टू डू.js की फाइल है। ये इंडेक्स एंड टू डू फाइल हमारी इस टू डू कंपोनेंट की है एंड इसके अलावा एक कार्ड, फॉर्म, हेडर एंड टू डू लिस्ट का कंपोनेंट है। एंड ईच कंपोनेंट के अंदर कार्ड, फॉर्म, हेडर एंड टू डू लिस्ट, इन 4 कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक स्टाइल्स का फोल्डर है। ये देखें, इन 4 कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक एक स्टाइल्स का फोल्डर है एंड इसके अलावा एक एक index.js की फाइल है। एंड इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक स्टाइल्स का फोल्डर है एंड इस स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक card.js की फाइल है एंड ये card.js की फाइल हमारे कार्ड कंपोनेंट के लिए है एंड इस card.js फाइल के अंदर हम लोग हमारे इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग करेंगे। इसके अलावा इस फॉर्म कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक स्टाइल्स का फोल्डर है एंड स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक form.js की फाइल है एंड इस form.js फाइल के अंदर हम लोग हमारे इस फॉर्म कंपोनेंट की स्टाइलिंग करेंगे। एंड इसके अलावा इस स्टाइल्स फोल्डर के अंदर header.js की फाइल है एंड ये फाइल हमारे हेडर कंपोनेंट के लिए है एंड इसी के साथ एक इस स्टाइल्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक टू डू लिस्ट डॉट जी एस की फाइल है एंड ये टू डू लिस्ट डॉट जी एस हमारे टू डू लिस्ट कंपोनेंट के लिए है। सो गाइज, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस टू डू कंपोनेंट को डेवलप करेंगे। हमारे इस टू डू कंपोनेंट के अंदर 2 फाइल्स हैं, एक index.js एंड इसके अलावा एक टू डू डॉट जी एस की फाइल है। हम लोग टू डू डॉट जी एस फाइल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर मैं साइड बार को क्लोज कर लेता हूँ एंड थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया था स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के नाम से, उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। अब इस टू डू डॉट जी एस फाइल के अंदर हम लोग 2 कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करेंगे एंड साथ ही उन दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। सो मैं यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ एंड साथ ही उनको मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, बैकटिक्स सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पर किया क्या है, एक डिफ टैग क्रिएट किया है एंड उस डिफ टैग को मैंने कंटेनर कॉन्स्टेंट के अंदर स्टोर कर लिया है। अब मैं चाहूँ तो अपने इस डिफ टैग पे स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ इन बैकटिक्स के अंदर। अब मैं स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इन बैकटिक्स को मैं यहाँ से ओपन करूँगा एंड यहाँ पर अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ या तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, गेस करता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। अब हमारे इस डिफ टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है
लेकिन फ़िलहाल मुझे इस पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ से इस स्टाइलिंग को रिमूव कर देता हूँ, लेकिन फ्यूचर में हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे। सो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टेंट को क्रिएट कर लिया है। अब मैं अपने सेकंड कॉन्स्टेंट को भी क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इनर इज इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट डिव बैकटिक्स सेमीकोलन। मैंने अपने सेकंड कॉन्स्टेंट को भी क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी इस इंडेक्स डॉट जी एस फाइल के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्ट को इम्पोर्ट करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब हम लोगों ने जो कॉन्स्टेंट वहाँ पे क्रिएट किए थे उनको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट कंटेनर एंड इनर फ्रॉम टू डू। अब यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर मैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, परफेक्ट। अब यहाँ पर इस रिटर्न के अंदर मैं एक डिफ टैग क्रिएट करूँगा एंड इस डिफ टैग को मैं कुछ क्लासेस अप्लाई करूँगा। अब ये बात लाजमी ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग रिएक्ट के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तब आप लोगों ने खाली क्लास नहीं लिखना, आप लोगों ने क्लास नेम लिखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा कॉन्सोल के अंदर। सो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है रो जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं एंड इसके अलावा MT5 एंड M0। ये जो फोर क्लासेस मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। मैंने बूटस्ट्रैप को पहले से ही इम्पोर्ट किया हुआ है, उसकी CDN लिंक्स को। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप की CDN लिंक को इम्पोर्ट कर लेना है अपनी HTML फाइल के अंदर और वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। सो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी index.html की फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँ सो देखें ये बूटस्ट्रैप की फोर CDN लिंक्स यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट की हुई हैं। अब इन CDN लिंक को आप लोगों ने कहाँ से इम्पोर्ट करना है, आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है W3School Bootstrap 4 एंड यहाँ पर Bootstrap 4 गेट स्टार्टेड लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों के पास ये फोर लिंक्स आ जाएंगी। इन फोर लिंक्स को यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस index.html फाइल के अंदर। इसके थ्रू Bootstrap ईजिली आपके React की एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएगा। सो मैं इस टैब को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ एंड इस index.html फाइल को भी यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब इस डिफ टैग के अंदर मैं अगेन एक और डिफ टैग क्रिएट करूँगा एंड इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन करूँगा कॉलम की, जैसे कॉल MD6 यानी कि 6 कॉलम्स ये घेरे यहाँ पर। अब इस डिफ टैग के अंदर मैं अपने कंटेनर का कॉन्स्टेंट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर एंड इस कंटेनर के अंदर मैं लिख दूँगा इनर एंड इस इनर के अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ चिल्ड्रन। जब हम लोग आगे लेआउट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सो मैं यहाँ पर इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दो एट्रीब्यूट्स पास कर लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक चिल्ड्रन एंड इसके अलावा एक रेस्ट प्रॉप्स और ये रेस्ट प्रॉप्स को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड इस कंटेनर के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, परफेक्ट। सो यहाँ पर हमारे स्टूडियो कंपोनेंट की डेवलपमेंट ख़त्म होती है। अब हम लोग हमारे इस कार्ड कंपोनेंट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक स्टाइल्स का फोल्डर है एंड इसके अलावा एक index.html की फाइल है, index.js की सॉरी फाइल है। इस स्टाइल्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक card.js की फाइल है। आप लोगों ने इस फाइल को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करेंगे हमारे इस कार्ड कंपोनेंट के लिए। मैं यहाँ पर अगेन स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एंड यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करके उनको एक्सपोर्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट मैं क्रिएट करूँगा वो होगा कार्ड का स्टाइल्ड डॉट डेफ बैकटिक्स, परफेक्ट। अब इसके अलावा सेकेंड कॉन्स्टेंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ हेडर के नाम से स्टाइल्ड डॉट डिव बैकटिक्स। सो गाइज यहाँ पर मैंने फोर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर लिए हैं एंड साथ ही उनको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया है।
अब यहाँ पर मैंने हैडर बॉडी एंड फूटर क्यों मैंने कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्रिएट किया है। अब देखिए हमारे पास एक कार्ड है, अब कार्ड के अंदर जाहिर बात है कार्ड का एक हैडर होगा, उसके बाद कार्ड की एक बॉडी होगी एंड कार्ड का एक फूटर होगा। अगर मैं आप लोगों को हमारी टू डू एप्लीकेशन का विजिट करवाऊँ, सो ये हमारी टू डू एप्लीकेशन है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब ये पूरा एक कार्ड है जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया हुआ है, एंड इसके अलावा ये कार्ड का हैडर है टू डू एप्लीकेशन टू डू ऐप क्रिएट योर फर्स्ट डू नाउ। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे कार्ड के हैडर के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा जो हमारी इनपुट फील्ड है एंड जो हमारा ऐड का बटन है ये बेसिकली हमारे कार्ड की बॉडी के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है, एंड कार्ड के फूटर के अंदर मैंने अपना ये मैसेज शो करवाया हुआ है। एंड जितने भी टू डूज मैं क्रिएट करूँगा वो हमारे कार्ड के फूटर के अंदर हमें शो होंगे, कार्ड के फूटर के अंदर हमारे वो टू डूज स्टोर होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इन कॉन्स्टेंट्स को कुछ स्टाइलिंग भी दे देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इस कार्ड के कॉन्स्टेंट को कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर इन बैकटिक्स को ओपन करता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट एलिमेंट। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर पिक कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर ये है RGBA कोड में, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। एंड इसके अलावा मैं इसको पेडिंग भी अप्लाई करूँगा। अब पेडिंग में यहाँ पर 20 पिक्सल्स अप्लाई करता हूँ अपने इस कार्ड के कॉन्स्टेंट को। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इस हेडर कॉन्स्टेंट को स्टाइल कर लेता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। अब इसके अलावा हमारे इस कार्ड के फूटर को भी यहाँ पर मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ, अगेन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट सेव। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इस कार्ड कंपोनेंट के index.js फाइल के अंदर आता हूँ एंड इस index.js फाइल के अंदर अगेन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट वहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं उनको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड हेडर बॉडी फुटर फ्रॉम स्टाइल स्लैश कार्ड। अब यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट माई कार्ड इज इक्वल टू, अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा चिल्ड्रन, अगेन रेस्ट प्रॉप्स, एंड यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पर अपने इस कार्ड कॉन्स्टेंट को यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन एंड यहाँ पर रेस्ट प्रॉप्स सेव। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपने हेडर के लिए एक फंक्शन लिखता हूँ माई कार्ड, जाहिर बात है मेरे कार्ड के अंदर हेडर होगा, सो माई कार्ड डॉट हैडर इज इक्वल टू फंक्शन माई कार्ड हैडर। अब यहाँ पर अगेन मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन एंड रेस्ट प्रॉप्स एंड यहाँ पर इधर मैं रिटर्न करवाऊँगा अपने इस हेडर कॉन्स्टेंट को एंड इधर मैं चिल्ड्रन लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं रेस्ट प्रॉप्स पास कर देता हूँ, रेस्ट प्रॉप्स सेव। अब मैं अपने कार्ड की हेडर के अलावा उसकी बॉडी एंड उसके फूटर को भी मैं यहाँ पर एक फंक्शन के तौर पर क्रिएट कर देता हूँ। सो हेडर को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, सेव एंड परफेक्ट। अब यहाँ पर इसको मैं फंक्शन को कॉपी करता हूँ, टू टाइम्स मैं पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर हेडर की जगह मैं लिख देता हूँ जहाँ जहाँ पर हेडर लिखा हुआ है मैं यहाँ पर बॉडी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी के अलावा सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने एरो नहीं डालना बिकॉज यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट नहीं कर रहे इसलिए। अब इधर हेडर की जगह आप लोगों ने फूटर लिख देना है जहाँ जहाँ पर आप लोगों को हेडर लिखना नज़र आ रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ फूटर सेफ
अब यहाँ पर हमारे इस कार्ट कंपोनेंट की डेवलपमेंट ख़त्म होती है। सो गाइस, अब हम लोग हमारे इस फॉर्म कंपोनेंट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से मैं अपना फॉर्म का कंपोनेंट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फॉर्म डॉट जी एस की फाइल है। इस फॉर्म डॉट जी एस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, साइड बार क्लोज कर लेता हूँ एंड बाकी के फाइल्स को भी मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ बिकॉज मुझे उनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर फॉर्म डॉट जी एस फाइल के अंदर मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करूँगा हमारे इस फॉर्म कंपोनेंट के लिए। इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एंड यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट मैं क्रिएट करूँगा वो होगा फॉर्म इज़ इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट। अब देखें, हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, कोई हम लोग कंटेनर कोई रैपर हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे कि हम लोग डिफ टैग का यूज़ करें। अब हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल्ड डॉट फॉर्म एंड बैकटिक्स। परफेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टेंट फॉर्म के लिए क्रिएट कर लिया। जो सेकंड कॉन्स्टेंट मैं क्रिएट करूँगा वो होगा फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट फॉर्म ग्रुप हमारा डिव होगा एंड इसके अलावा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इनपुट फील्ड इज इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट इनपुट बैकटिक्स। अब इनपुट के अलावा हम लोग अपना लास्ट कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे बटन के नाम से, स्टाइल्ड डॉट बटन। परफेक्ट, अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग्स भी अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्म ग्रुप के कॉन्स्टेंट को। मैं यहाँ पर बैकटिक्स ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। अब मैंने यहाँ पर अपने इस फॉर्म ग्रुप के कॉन्स्टेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों किया है, बिकॉज इस फॉर्म के कॉन्स्टेंट के अंदर हम लोग अपने बाकी के तीन कॉन्स्टेंट को स्टोर करेंगे। ये फॉर्म कॉन्स्टेंट एज ए रैपर काम करेगा हमारे बाकी के थ्री कॉन्स्टेंट के लिए और हमारे इस फॉर्म ग्रुप के कॉन्स्टेंट के अंदर हम लोग अपना इनपुट फील्ड एंड बटन का कॉन्स्टेंट स्टोर करेंगे ताकि हम लोग इनपुट एंड बटन को साइड बाई साइड शो करवा सकें एक लाइन में। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स स्टाइलिंग का यूज़ किया है एंड फ्लैक्स डायरेक्शन रो सेव। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस इनपुट फील्ड को स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बॉर्डर नन करना चाहूँगा एंड बॉर्डर रेडियस टोटली 0 pixels, रेडियस 0 pixels एंड इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्ट एलिमेंट। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर RGB कोड में है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड पेस्ट। परफेक्ट, अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूँ अपने इस इनपुट फील्ड के अंदर तब इसका बैकग्राउंड कलर तब भी यही रहे, सेफ। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस बटन को स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने इस बटन का बॉर्डर रेडियस 0 pixels करना चाहूँगा एंड इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर इसका जैसे है var, एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर दूँगा अपने index.css फाइल के अंदर, प्राइमरी कलर मैं इसको दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी index.css फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड यहाँ पर index.css फाइल है, इसके अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा रूट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्राइमरी कलर एंड यहाँ पर मैं अपने कलर का कोड लिख देता हूँ। सेव एंड यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड अपने इधर form.js फाइल में आता हूँ एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ। सेव, अब हम लोग क्या करते हैं अपने फॉर्म कंपोनेंट की index.js फाइल को index.js फाइल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर index.js फाइल के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में इसको जल्द से जल्द इंपोर्ट कर लेता हूँ
RFC। अब देखें यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया अपने इस फंक्शन को। अब यहाँ पर सिंपली मैं इसको रीनेम कर दूंगा, सिंपली लिख देता हूँ मैं माई फॉर्म इंडेक्स, इंडेक्स की जगह माई फॉर्म। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए थे उनको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, फॉर्म, फॉर्म ग्रुप, एंड इसके अलावा एक इनपुट फील्ड बटन फ्रॉम स्लैश स्टाइल स्लैश फॉर्म सेव। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न ने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपने फॉर्म कॉन्स्टेंट को शो करवाऊंगा, चिल्ड्रन रेस्ट प्रॉप्स। एंड यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट पास करूँगा टू एक चिल्ड्रन एंड एक रेस्ट प्रॉप्स। अब यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस अगेन क्रिएट कर लेता हूँ, माई फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप, बिकॉज ज़ाहिर बात है फॉर्म के अंदर हमारा फॉर्म ग्रुप होगा एंड फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लोग अपने बटन्स एंड इनपुट फील्ड्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट एरियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग स्टोर करेंगे। फॉर्म ग्रुप फंक्शन माई फॉर्म, माई फॉर्म फॉर्म ग्रुप चिल्ड्रन रेस्ट प्रॉप्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ फॉर्म ग्रुप, एंड यहाँ पर मैं चिल्ड्रन लिखता हूँ एंड यहाँ पर मैं रेस्ट प्रॉप्स लिखता हूँ, सेव। अब यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर्म, माई फॉर्म डॉट इनपुट फील्ड इज इक्वल टू फंक्शन माय फॉर्म, अगेन यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनपुट फील्ड चिल्ड्रन कॉमा रेस्ट प्रॉप्स, एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं रिटर्न करवाऊँगा अपने इनपुट फील्ड। आई थिंक परफेक्ट ठीक है, इनपुट फील्ड ही बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिटर्न हम लोगों ने करवानी है। एंड यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सिंपली मुझे यहाँ पर रेस्ट प्रॉप्स की ज़रूरत है। यहाँ से मैं चिल्ड्रन को ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है चिल्ड्रन की, बिकॉज हम लोग इनपुट फील्ड में अपना कौन सा चिल्ड्रन शो करवाएंगे। अब ये चिल्ड्रन क्या है एंड रेस्ट प्रॉप्स क्या है, ये जब हम लोग लेआउट्स अपना क्रिएट करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई फॉर्म डॉट बटन फंक्शन माई फॉर्म बटन, अगेन चिल्ड्रन एंड रेस्ट प्रॉप्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ अपना बटन, एंड यहाँ पर मैं चिल्ड्रन लिखता हूँ एंड इधर मैं रेस्ट प्रॉप्स लिखता हूँ, सेव। अब जितने भी फंक्शंस रिक्वायर्ड थे हमारे इस माई फॉर्म मतलब के फॉर्म कंपोनेंट के लिए वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं अपने इस हेडर कंपोनेंट को डेवलप करते हैं। इसके स्टाइल्स की फाइल के अंदर हेडर डॉट जे एस फाइल के अंदर मैं आता हूँ अगेन। अब मैं ज़रा स्पीड में कोडिंग करूँगा, स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टाइल डॉट हेडर बैकटिक्स। सो गाइज जितने भी कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड थे हमारे इस हेडर के लिए वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं इनको स्टाइल कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टाइटल को स्टाइल करूँगा, सो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू मैं ये कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, RGB कोड, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग ये कोड देख लें। एंड इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज़ मैं एडजस्ट करना चाहूँगा 30 pixels, एंड इसके अलावा हमारे स्पीड टैग को भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ। इधर मैं इसको मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ 0 pixels, एंड इसके अलावा हमारे इस HR टैग को भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ बॉर्डर टॉप 1 pixels सॉलिड। परफेक्ट,
अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके index.js फाइल के अंदर आते हैं, एंड इस index.js फाइल के अंदर हम लोग इसकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ RFC, एंड यहाँ पर इंडेक्स की जगह मैं लिख दूंगा माय हेडर, एंड यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ जी चिल्ड्रन रेस्ट प्रॉप्स, एंड जो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स वहाँ पर क्रिएट किए थे उनको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर, टाइटल, टैगलाइन, सेपरेटर, फ्रॉम स्टाइल स्लैश, आई थिंक कोई मिस्टेक है, फ्रॉम स्पेलिंग्स मिस्टेक, हेडर, परफेक्ट। एंड यहाँ पर अब हम लोग रिटर्न में इन div टैग्स की जगह हेडर कॉन्स्टेंट को रिटर्न करवाएंगे, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन रेस्ट प्रॉप्स, परफेक्ट। अब इधर मैं अगेन कुछ फंक्शंस अपने इस हेडर कॉम्पोनेंट के लिए क्रिएट कर देता हूँ। माई हेडर डॉट टाइटल इज इक्वल टू फंक्शन माई हेडर टाइटल, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊँगा हमारा टाइटल कॉन्स्टेंट। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर 2 times मैं पेस्ट कर दूँगा, एंड यहाँ पर मैं टाइटल, जहाँ यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ टैगलाइन, एंड यहाँ पर जहाँ जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है इधर मैं लिख देता हूँ सेपरेटर। अब यहाँ पर सेपरेटर में हमें चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं है, सो यहाँ पर मैं सिंपली बैक स्लैश डाल के इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड एस को मैं यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ सेपरेटर, स्पेलिंग्स को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव, एंड यहाँ पर एक बार मैं अपनी हेडर डॉट जेएस फाइल के अंदर आता हूँ। इधर भी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैंने रीनेम किया सेपरेटर को और कुछ भी नहीं किया, परफेक्ट। अब यहाँ पर हमारे इस हेडर कॉम्पोनेंट की भी डेवलपमेंट ख़त्म होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टूडियो लिस्ट कॉम्पोनेंट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारे स्टूडियो लिस्ट कॉम्पोनेंट के अंदर एक स्टाइल्स का फोल्डर है, एंड इसके अलावा एक index.js की फाइल है। मैं इस स्टाइल्स फोल्डर के अंदर एक studio-list.js फाइल को ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर बाकी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगेन मैं स्टाइल्ड कॉम्पोनेंट्स को इम्पोर्ट करूँगा एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर डिफ की जगह मैं UL कर दूँगा, एंड अब यहाँ पर हम लोगों ने तमाम कॉन्स्टेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत थी क्रिएट तो कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर li टैग को स्टाइल कर लेता हूँ, जैसे कि देखें यहाँ पर अगर मैं अपना कोई टू डू क्रिएट करूँ, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, एड बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे टू डू यहाँ पर क्रिएट हो गई, और ये मेरी लिस्ट है वेब डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर जो क्रॉस बटन बना हुआ है ये बेसिकली मेरी एक लिस्ट है। अब मैं यहाँ पर इसको स्टाइल कर रहा हूँ ये li टैग को, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड इसके अलावा बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट मतलब कि लाजमी ये स्टाइलिंग लाजमी अप्लाई होनी चाहिए, बॉर्डर लेफ्ट। अब बॉर्डर पहले परमानेंटली ख़त्म हो गया, अब मैं बॉर्डर लेफ्ट खुद से डाल रहा हूँ, 2 pixels सॉलिड, एंड वेरिएबल जो हम लोगों ने क्रिएट किया था प्राइमरी कलर के नाम से, परफेक्ट। अब बॉर्डर लेफ्ट की जगह हम लोग बॉर्डर रेडियस पुट कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस के बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर बेसिकली मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कॉपी कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद ये जो हमारा li का टैग है इसके अंदर मैं एक अपना आइकन भी पुट करूँगा, एंड उस आइकन को बाद में मैं क्लास अप्लाई कर दूंगा। अब जो उसको मैं क्लास अप्लाई करूँगा उसको मैं स्टाइल यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट कलर
कलर जो इसका होगा वो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कॉपी कर देता हूँ। इसका ये मेरा आइकन है एंड ये इसका कलर है आरजीबी कोड। कलर का मैंने कोड यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज़ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा 25 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा बॉर्डर इसका जो सा होगा वो होगा नन, बिल्कुल भी नहीं। बैकग्राउंड, अब जो इसका बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बिकॉज मैंने बटन के अंदर, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट आप लोगों को दिखाऊं, सो देखें यहाँ पर बटन के अंदर मैंने अपना ये आइकन पुट किया। बटन का तो मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना ही पड़ेगा ना, अगर मैं यहाँ पर बटन का बैकग्राउंड ना यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करता। सो अगर मैं यहाँ पर यह प्रॉपर्टी रिमूव करके दिखाऊँ, सो देखें यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर भी ना करूँ, तो देखें ये बटन है हमारा, बटन के अंदर मैंने अपना ये आइकन पुट किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन 0, सेफ। परफेक्टली हम लोगों ने कुछ कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर लिए हैं हमारे स्टूडियो लिस्ट कॉम्पोनेंट के लिए। अब हम लोग यहाँ पर इसके इंडेक्स डॉट जेएस फाइल हमारे स्टूडियो लिस्ट कॉम्पोनेंट की ओपन करते हैं। RFC, यहाँ पर इंडेक्स की जगह मैं लिख देता हूँ स्टूडियो लिस्ट। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं चिल्ड्रन एंड रेस्ट प्रॉप्स पास करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जो अपने कॉन्स्टेंट्स मैंने क्रिएट किए थे उन कॉन्स्टेंट्स को मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूँगा कंटेनर। एंड इसके अलावा रैपर एंड आइटम, अब यहाँ पर मैं उनका पाथ डिफाइन कर देता हूँ फ्रॉम स्टाइल स्लैश स्टूडियो लिस्ट। परफेक्ट। एंड यहाँ पर डिफ टैग की जगह कंटेनर मैं लिखूँगा। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेस्ट प्रॉप्स। अब यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो मेरी टू-डू लिस्ट है उसके अंदर जो मेरा रैपर है, फंक्शन टू-डू लिस्ट रैपर चिल्ड्रन रेस्ट प्रॉप्स रिटर्न, अब यहाँ पर मैं अपने रैपर कॉन्स्टेंट को इंपोर्ट करूँगा। इधर मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन एंड इधर मैं लिख देता हूँ रेस्ट प्रॉप्स। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। एंड जहाँ जहाँ पर अब रैपर है उसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू-डू लिस्ट आइटम। ठीक है, परफेक्ट। एंड आई थिंक यहाँ पर फंक्शन का नाम भी टू-डू लिस्ट है। ठीक है, सेफ। अब हम लोगों ने हमारा टू-डू लिस्ट का कॉम्पोनेंट भी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब जितने भी कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड थे हमारी इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, हम लोगों ने उन तमाम कॉम्पोनेंट्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इन कॉम्पोनेंट्स की एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को हैंडल करते हैं। जब मैं अपने कॉम्पोनेंट्स को लेआउट को क्रिएट करने के दौरान इम्पोर्ट करूँगा, जब अपना लेआउट क्रिएट कर रहा होऊंगा और जब अपने कॉम्पोनेंट्स को इम्पोर्ट करूँगा, तब मुझे ईच एंड ईच फोल्डर के अंदर जाकर उन कॉम्पोनेंट्स के इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को पकड़ना पड़ेगा। एंड मतलब फिर वो काफ़ी लंबा पाथ बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कंटेनर्स फोल्डर के अंदर जाऊँ एंड यहाँ पर मेरा टू-डू डॉट जेएस की फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ RFC, यहाँ पर मैं अगर अपना साइड बार क्लोज करूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू-डू कंटेनर। एंड यहाँ पर अगर मैं अपना टू-डू का कॉम्पोनेंट अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँ, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं अपना टू-डू का कॉम्पोनेंट इम्पोर्ट करूँ, देखें टू-डू का कॉम्पोनेंट मैंने इम्पोर्ट किया टू-डू। अब आई थिंक इसका हम लोगों ने नाम भी टू-डू दिया था, आई थिंक माई टू-डू तो नहीं दिया था, मैं देख लेता हूँ पहले इंडेक्स डॉट जेएस में जाकर। यस, टू-डू ही दिया है। इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं आई थिंक किया, इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू-डू सेव। अब यहाँ पर टू-डू कंटेनर के अंदर जाता हूँ मैं, ये टू-डू कंटेनर, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये कंटेनर्स फोल्डर के अंदर मैं टू-डू डॉट जेएस के अंदर आया हूँ मैं। अब ये हमारी कंटेनर की फाइल है, बेसिकली हमारी लेआउट की फाइल है। कंटेनर के अंदर हमारा टू-डू का लेआउट है, ये लेआउट की फाइल है। अब यहाँ पर मैं अपने कंटेनर कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, टू-डू कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर लिया है। अब देखें, अब इसका पाथ देखें आप लोग, इम्पोर्ट करो टू-डू कॉम्पोनेंट को फ्रॉम, पहले तो एक फोल्डर पीछे जाओ, फिर कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाओ, अब यहाँ पर टू-डू फोल्डर को फेच कर लो। अब देखा जाए तो इसको चाहिए था कि ये हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को जाकर फेच करता,
यहाँ पर क्या किया, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर गया और यहाँ से टू डू फोल्डर को इसने फेच कर लिया है। क्या किया इसने, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर गया और यहाँ से टू डू फोल्डर को फेच कर लिया। अब इसने टू डू फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को हिट क्यों नहीं किया, बिकॉज जैसे ही ये टू डू फोल्डर को एक्सेस करेगा तो बाई डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल रन हो जाएगी, दैट्स वाई इसने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को कॉल नहीं किया। अगर इसने टू डू डॉट जेएस फाइल को, अगर मुझे टू डू डॉट जेएस फाइल की ज़रूरत पड़ती तब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ना था स्लैश टू डू, तब मुझे लाजमी टू डू लिखना पड़ना था, लेकिन मुझे फ़िलहाल इंडेक्स डॉट जेएस फाइल चाहिए। सो इसलिए मैंने खाली फोल्डर को ही कॉल कर दिया टू डू के, इस फोल्डर को, ये हमारा टू डू का फोल्डर। यहाँ पर इसके अंदर एक इंडेक्स की फाइल है, एक टू डू की फाइल है, बाई डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस रन हुई है जो कि मुझे चाहिए। लेकिन आप लोग ज़रा इसका पाथ देखें, इम्पोर्ट करो टू डू कॉम्पोनेंट को फ्रॉम स्लैश डॉट डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश टू डू, पाथ काफ़ी लंबा यार इसका। मैं चाहता हूँ अब देखें, अब टू डू कॉम्पोनेंट को तो हम लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया, अब ऐसे ही अगर हम लोगों ने अपने यहाँ पर टू डू के बाद बेसिकली बारी आती है हमारे माई कार्ट कॉम्पोनेंट की, अगर हम लोगों ने ऐसे ही उसको इम्पोर्ट करना हुआ, एक मिनट जरा यहाँ पर साइड बार में ये हमारा कार्ड का इंडेक्स डॉट जेएस फाइल ओपन करता हूँ, इसको भी हम लोगों ने बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई कार्ड सेव। अब मैं यहाँ पर टू डू कंटेनर के अंदर आता हूँ, इसको इम्पोर्ट करता हूँ। अब देखें ज़रा इसका पाथ देखें, कंपोनेंट्स के अंदर टू डू के फोल्डर के अंदर कार्ड का फोल्डर है। अब कार्ड के फोल्डर को इसने एक्सेस किया तो बाई डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल रन हो गई है जो कि हमें चाहिए, लेकिन आप लोग इसका पाथ देखें, काफ़ी लंबा पाथ है। अब वैसे ही हमें अब हेडर कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, टू डू लिस्ट कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बहुत काफ़ी बड़ी हेडिंग है, ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कोड मारा यहाँ पे हो जाएगा। सो इस रोल से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर आएंगे जो कि हमारे कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर के अंदर है। बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ कि इस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर कोडिंग करने से पहले मैं अपने इस टू डू कंटेनर को शो करवा देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए। मैं क्या करता हूँ, पेजेस फोल्डर के अंदर हमारे टू डू डॉट जेएस की फाइल है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ RFC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू डू पेजेस, फंक्शन को बेसिकली बस मैंने रीनेम किया टू डू पेजेस। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू कंटेनर, इसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया है परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपने टू डू पेजेस टू डू पेजेस के बेसिकली फाइल को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ टू डू पेजेस। अब मैंने किया क्या है, ये जो बेसिकली इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये जो बेसिकली मेरी फाइल है टू डू डॉट जेएस, ये मेरी कंटेनर की फाइल है और ये जो फाइल है नेक्स्ट वाली टू डू डॉट जेएस, ये मेरी पेजेस की फाइल है, पेजेस फोल्डर के अंदर जो टू डू डॉट जेएस फाइल है। अब इस टू डू डॉट जेएस फाइल को जो कि मेरे बेसिकली लेआउट है मेरी फाइल का, मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बिग कर लूँ, ये टू डू डॉट जेएस फाइल जो कि कंटेनर्स फोल्डर के अंदर है, ये बेसिकली लेआउट है मेरी टू डू एप्लीकेशन का। अब इस लेआउट को मैं इम्पोर्ट करवा रहा हूँ हमारे पेज की फाइल के अंदर, ये टू डू डॉट जेएस बेसिकली एक पेज है, इसके अंदर मैं इसको इम्पोर्ट करवा रहा हूँ हमारे इस लेआउट को, ये लेआउट को मैंने इम्पोर्ट करवा दिया और लेआउट के अंदर मैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को इम्पोर्ट करवा रहा हूँ जैसे मैंने आप लोगों को कहा था। और यहाँ पर ऐप डॉट जे एस फाइल के अंदर मैं अपनी इस पेज को इम्पोर्ट करवा रहा हूँ, फ़िलहाल मैंने इसको सेव कर दिया है एंड यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ कंटेनर, यस इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ पेजेस वाली फ़ाइल को एंड इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ सेव। सो देखें ये हमारी करंट रिएक्ट एप्लीकेशन है। अब इसका इंटरफेस कुछ अजीब सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, कोई भी टेक्स्ट नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बिग स्क्रीन कर लूँ, साइड बार को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, ये जो हमारा टू डू का कॉम्पोनेंट है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको लिखता हूँ टू डू एंड यहाँ पर लिख देता हूँ ABC एंड यहाँ पर चाहूँ तो इसका मैं प्रॉप्स भी इसके पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने रेस्ट प्रॉप्स का एट्रीब्यूट वहाँ पर पास किया हुआ था उसका ये मतलब था स्टाइल्स एंड यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज ABC, ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। इनलाइन स्टाइलिंग मैंने यहाँ पर रिएक्ट की यूज़ की है CSS की।
अब मैंने खाली अपने टू डू कॉम्पोनेंट को यूज़ किया है। अब मैंने क्या किया है बेसिकली, ये जो मेरा है इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये जो मेरे टू डू की इंडेक्स डॉट जी एस फाइल है इसको अगर मैं ओपन करूँ, सो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर मैं इसको और बिग स्क्रीन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर स्प्लिट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं टू डू डॉट जी एस फाइल ओपन कर लेता हूँ, बिग स्क्रीन ही कर लेता हूँ चलिए मैं इसको। एंड यहाँ पर देखें आप लोग, ये जो मेरी फाइल है टू डू डॉट जी एस, ये मेरी लेआउट की फाइल है, लेफ्ट साइड पर एंड राइट साइड पर मेरी टू डू की टू डू कॉम्पोनेंट की इंडेक्स डॉट जी एस फाइल है। अब यहाँ पर लेआउट की जो सी फाइल है, यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है अपने इस टू डू कॉम्पोनेंट को, जो कि ये है कॉम्पोनेंट हमारा, ये एक हमारा टू डू कॉम्पोनेंट है। अब यहाँ पर बेसिकली टू डू कॉम्पोनेंट में मैंने यहाँ पर स्टाइल्स एट्रीब्यूट का भी यूज़ किया है एंड ए बी सी भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ए बी सी यार कैसे आ गया, यहाँ पर शो कैसे हो रहा है, ये चिल्ड्रन, ये जो मैंने चिल्ड्रन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है चिल्ड्रन, अपने इस टू डू कॉम्पोनेंट के इंडेक्स डॉट जी एस फाइल के अंदर इस चिल्ड्रन की मदद से यहाँ पर ए बी सी हम लोग लिख पा रहे हैं और वहाँ पर शो करवा पा रहे हैं। एंड जो रेस्ट प्रॉप्स है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग दोबारा बता देता हूँ हम लोगों ने किया क्या है, ये टू डू फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट किया डिफॉल्टली एंड उसको हम लोगों ने यहाँ पर अब एक्सेस किया एंड यहाँ पर एक्सेस करने के बाद मैंने अपने इस फंक्शन के नेम से इसको कॉल किया, फंक्शन के नेम से टू डू एंड यहाँ पर बेसिकली जो सा इनर का हमारा टैग था इसके अंदर लिखा हुआ था मैंने चिल्ड्रन। अब इस ये जो भी बेसिकली देखें, ये ए बी सी जो इम्पोर्ट हो रहा है यहाँ पर ए बी सी, ये हमारे इस इनर टैग के थ्रू यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा कन्फ्यूज करने के बजाय ये स्टाइल्स एट्रीब्यूट को यहाँ से कट करूँ एंड यहाँ पर इनर के अंदर पास कर दूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ यहाँ पर, सो देखें तब भी हमारे इसकी स्टाइलिंग पर फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज यहाँ पर मैंने इनर को यहाँ पर स्टाइल किया हुआ है। अब देखें, अब तो आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होगी। अब अगर मैं सेकंड स्टाइलिंग भी अप्लाई कर दूँ, कलर इसका मैं चेंज करके इसका मैं ब्लू कर दूँ, सेव, यहाँ पर मैं मल्टी लाइंस में इसको पुट कर देता हूँ एंड यहाँ पर परफेक्ट, ठीक है। अब देखें ज़रा इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। अब हुआ क्या है कि इस इनर को मैंने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, इनर में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है एंड यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, देखें ये ए बी सी पे अप्लाई हो रही है बिकॉज देखें इनर कॉन्स्टेंट का मैंने यूज़ किया एंड इधर इस कॉन्स्टेंट के अंदर मैंने चाइल्ड चिल्ड्रन को पास कर दिया। अब चिल्ड्रन बेसिकली क्या है, ये मेरा ए बी सी है। अब यहाँ पर जो भी मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ मेरे चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, सो ये सारा हिसाब किताब यहाँ पर हो रहा है। सो फिलहाल मुझे स्टाइलिंग की ज़रूरत है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका पाथ देखें आप लोग, दैट्स वाई मैंने वहाँ पर ये इंडेक्स डॉट जी एस फाइल रखी हुई है, ये हमारे कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ये इंडेक्स डॉट जी एस फाइल है, इसके थ्रू मैं इसके एक्सपोर्ट्स को हैंडल कर पाऊँगा। ये सब कुछ सिंपली आपको ये एक्सपोर्ट समझाने के लिए था, दैट्स मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ी थी। अब मैं क्या करता हूँ, देखें इस काफ़ी भरा देखे कोड है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली मैं जाता हूँ अपनी इस इंडेक्स डॉट जी एस फाइल के अंदर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज टू डू फ्रॉम, अपने फोल्डर को बता दूंगा टू डू। अब देखिए सिंपली मैंने फोल्डर का नाम लिखा है बिकॉज मैं जानता हूँ बाई डिफॉल्ट मेरी इंडेक्स डॉट जी एस फाइल रन हो जाएगी हमारे टू डू कॉम्पोनेंट की। सो अगेन मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज माई कार्ड फ्रॉम टू डू के अंदर कार्ड का फोल्डर है उसको एक्सेस कर लो, परफेक्ट। अब ऐसे ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज माय फॉर्म फ्रॉम टू डू स्लैश फॉर्म, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज टू डू लिस्ट फ्रॉम टू डू स्लैश टू डू लिस्ट, ओके। हेडर को हम लोगों ने अभी तक इम्पोर्ट नहीं किया, फॉर्म हेडर, यस हेडर को इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट सॉरी करवाना है यहाँ से, डिफॉल्ट एज माई हेडर ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टूडियो डॉट जी एस फाइल के अंदर आते हैं जहाँ हम लोगों ने इतना लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस भी नज़र आए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा टू डू एंड यहाँ पर माई कार्ड। अब देखो कितनी आसानी से मैंने अपने कॉम्पोनेंट्स को इम्पोर्ट कर लिया है।
फ्रॉम सिंपली अब मैं ये करूँगा अपने इस कॉम्पोनेंट्स फोल्डर का पाथ बता दूंगा, बस इतना करना है मैंने। अब सिंपली मैंने किया अपने इस कॉम्पोनेंट्स फोल्डर का पाथ बता दिया। अब इस कॉम्पोनेंट्स फोल्डर के अंदर जैसे ही जाएगा पार्टी फोल्डर इंडेक्स टू जेस फाइल रन हो जाएगी और यहाँ से मैंने इस टूडू को एंड इस कार्ड को एक्सेस कर लिया है ईजिली। एंड ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम लोग अपने इन कॉम्पोनेंट्स को बाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करवा रहे, दैट्स मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने कॉम्पोनेंट्स का नाम लिखना पड़ेगा। सिंपली मैंने अपनी कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर बता दिया। आप चाहे तो इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा गुड है मेरी नज़रों में। सो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कॉमेंट्स को। परफेक्ट, अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें मेरे कोड में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, सेम मेरा कोड वही है, रिजल्ट मुझे वही शो हो रहा है ए बी सी। परफेक्ट, अब यहाँ से मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने तमाम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स तो क्रिएट कर लिए हैं, अब बारी है उन तमाम कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लेआउट हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन का बिल्ड करने की। सो मैं यहाँ से साइड बार को क्लोज कर लेता हूँ एंड दूसरी फाइल्स को भी यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से अब मैं अपनी करंट रिएक्ट एप्लीकेशन को ओपन करके रखूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर चेंजेस अप करूँ वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी कंपोनेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं उन सबको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, माई हेडर एंड एट लास्ट माई फॉर्म। एंड इसके अलावा टू डू लिस्ट सेव 1 2 3 4, ठीक है। अब इस डिफ टैग को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक आइकन भी इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट आइकन से पैकेज से, बिकॉज हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया था रिएक्ट आइकन्स के नाम से। अब मैं उस पैकेज के थ्रू एक आइकन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, IO IO S backspace from react icons slash io save। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, इसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सो मैं इसको सेव करता हूँ। सो देखें मेरा ये आइकन यहाँ पर परफेक्टली इम्पोर्ट हो गया है। फिलहाल मुझे अभी के लिए अपने इस आइकन की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अपना टूडू का कंपोनेंट मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एज अ चिल्ड्रन अपने बाकी कंपोनेंट्स पास करूँगा टूडू कंपोनेंट के अंदर माई कार्ड, एंड माई कार्ड के अंदर भी मैं एज अ चिल्ड्रन उसके अगर दूसरे फंक्शन मैं इम्पोर्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई कार्ड डॉट, अब देखें उसमें हम लोगों ने एक हेडर का फंक्शन भी यूज़ किया था, सो माई कार्ड डॉट हेडर एंड इसके अंदर माई हेडर, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई हेडर डॉट टाइटल, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टू डू ऐप सेव। सो देखिए मेरा यहाँ पर लिखा गया टू डू ऐप, बट इसकी फॉन्ट फैमिली को ज़रा देखें, काफ़ी चेंज है इसकी निस्बत, हम इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ेगी। सो इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर fonts.google.com ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं न्यूनिटो फॉन्ट फैमिली का यूज़ करूँगा न्यूनिटो, एंड यहाँ से मुझे चाहिए सिर्फ 400 रेगुलर 400। यहाँ से इसकी इम्पोर्ट स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, अपनी index.css फाइल के अंदर आता हूँ, ठीक है परफेक्ट। एंड इसको मैंने पेस्ट किया, इसको भी मैं ऐसे इसकी कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर स्टैटिक साइन यानी कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जानी चाहिए, इसको मैं ऐसे ख़त्म करता हूँ। अब अगर मैं अपनी index.css फाइल को सेव करूँगा, सो देखें हमारी ये फॉन्ट फैमिली परफेक्टली यहाँ पर इम्पोर्ट हो गई है, स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर माई हेडर डॉट टैग लाइन, इधर से मैं टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ
एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ सेव। मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने सेपरेटर को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, माई हेडर डॉट सेपरेटर सेव। मेरा सेपरेटर भी यहाँ पर आ गया है। अब सेपरेटर के बाद हमारे यहाँ पर कार्ड के हेडर की तो बारी ख़त्म हो गई है, अब कार्ड की बॉडी की बारी। माई हेडर डॉट बॉडी, आई थिंक बॉडी थी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC तो यहाँ पर आई थिंक यस माई हेड ओके यस यस सॉरी सॉरी माई कार्ड ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस का भी यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू के अंदर क्लास यूज़ कर लेता हूँ कंटेनर की सेफ ठीक है। अब यहाँ पर माई कार्ड के अंदर मैं कुछ क्लासेस यूज़ करूँगा, क्लास नेम कार्ड, कार्ड डिफॉल्ट FAULT कार्ड, कार्ड डिफॉल्ट एंड बॉर्डर 0 सेफ। एंड इसके अलावा माई कार्ड हेडर के अंदर क्लासेस मैं यूज़ करूँगा कार्ड हेडर एंड बॉर्डर 0, यानी कि बॉर्डर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए परफेक्ट। एंड इसके अलावा यहाँ पर कार्ड बॉडी में भी मैं कुछ क्लासेस का यूज़ करूँगा, कार्ड बॉडी बॉर्डर 0, बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पर ABC की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फॉर्म कॉन्स्टेंट, जो मैंने वहाँ पर मतलब कि कॉम्पोनेंट मेरा जो मैंने क्रिएट किया था। अब इसके अंदर मेरा फॉर्म ग्रुप आएगा, माई फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर मैंने कहा था एक हमारी इनपुट फील्ड आएगी एंड इसके अलावा हमारा बटन आएगा। इनपुट फील्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर देखें हम लोग एट्रीब्यूट्स पास करें, जो मैंने वहाँ पर रेस्ट प्रॉप्स यूज़ किया हुआ था ना उसका मतलब था कि हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पास कर सके डिफरेंट। सो मैं यहाँ पर क्लास यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको फ़िलहाल सेव करूँ तो देखें हमारा ये इनपुट फील्ड तो यहाँ पर आ गई है, बट मैं इसको क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ जैसे फॉर्म कंट्रोल एंड इसके अलावा प्लेस होल्डर PLACE place holder perfect and यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू ठीक है। प्लेस होल्डर के बाद वैल्यू की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेव करता हूँ ठीक है। बट देखा जाए तो हमारी इनपुट फील्ड स्टाइल नहीं हुई यहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल की हुई थी, देखें ये स्टाइल नहीं हुई फिलहाल, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। मैं यहाँ पर अब इसके बटन को स्टाइल बटन को पुट कर देता हूँ। बटन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट फॉर्म कंट्रोल, आई थिंक सब कुछ ठीक है यहाँ पर, बस इसके स्टाइलिंग में फ़र्क है। सो इसमें कुछ हम एट्रीब्यूट्स पास करेंगे, क्लास BTN प्राइमरी सेव अगर मैं करूँ। सो हमारा यहाँ पर बटन तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में स्टाइलिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, हमारे इस इनपुट फील्ड में एंड हमारे इस बटन में। फ़िलहाल तो मैं अपने इस बटन को टाइप दे देता हूँ सबमिट की सेव, और यहाँ पर हमारा बटन भी परफेक्टली क्रिएट हो गया। हम लोग फ़िलहाल बाकी की बॉडी पहले क्रिएट करते हैं, फिर बाद में हम लोग इसकी स्टाइलिंग को देखेंगे, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म तो हम लोगों ने अब अपना क्रिएट कर लिया, अब बारी आती है हमारे कार्ड के फूटर की। अब फूटर के अंदर हमारे टू डू लिस्ट का कंपोनेंट था एंड यहाँ पर टू डू लिस्ट के अंदर टू डू लिस्ट रैपर डॉट रैपर जो हमारा UL टैग था एंड टू डू लिस्ट डॉट आइटम एंड आइटम के अंदर हमें चाहिए एक हमारे टू डू का नेम एंड इसके अलावा हमारा वो क्रॉस का आइकन। सो इसको मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस भी अप्लाई कर देता हूँ, कार्ड फूटर को क्लास नेम कार्ड फूटर परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्लास रैपर को यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, लिस्ट ग्रुप इसको भी मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, लिस्ट ग्रुप आइटम सेव ठीक हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं स्पैन टैग के अंदर लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट सेव
वेब डेवलपमेंट लिखा नज़र आ गया। एंड यहाँ पर अगेन एक स्पैन टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एंड इस स्पैन टैग के अंदर मुझे चाहिए एक बटन। याद होगा आपको मैंने एक बटन का आप लोग कहा था मैंने पहले, इसको हम लोग कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि डिलीट। हम लोगों ने पहले एक डिलीट क्लास को भी इंस्टॉल किया था, उसका हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर रिमूव किया था। टाइप हम लोग इसको सबमिट दे देते हैं, सॉरी। सबमिट, एंड अगर मैं ऊपर आऊँ तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को। परफेक्ट, हमारा यहाँ पर ये भी हमारा आइकन आ गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ मज़ीद क्लासेस अप्लाई करते हैं ताकि ये कॉर्नर्स में चला जाए। सो हमारे लिस्ट ग्रुप आइटम में आई थिंक ठीक रहेगा, लिस्ट ग्रुप आइटम में ही बेसिकली आनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीफ्लेक्स, एंड इसको मैं अगर मैं सेव करूँ ठीक है, एंड जस्टिफाई कॉन्टेंट बिटवीन एंड इसके अलावा MB2, मतलब कि ईच लिस्ट को नीचे से थोड़ी सी मार्जिन में मिल जाए। सेव करता हूँ। सो परफेक्टली हमारा क्रॉस बटन उस साइड पर चला गया, लेकिन देखा जाए तो इनकी स्टाइलिंग में थोड़ी सी कमी बेशी है। एक तो देखा जाए सो हमारे इस इनपुट फील्ड को परफेक्टली स्टाइलिंग नहीं मिली हुई है, एंड हमारे बटन को भी थोड़ी बहुत परफेक्टली स्टाइलिंग मिली ही नहीं हुई। देखा जाए ना हमारा बटन भी परफेक्टली स्टाइल नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बटन को डिसेबल भी कर देता हूँ, बिकॉज़ ये उधर डिसेबल हुआ है हमारे क्लोन ने। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ डिसेबल्ड का, एंड हमारे बटन डिसेबल्ड हो गया है। ठीक है, बटन फ़िलहाल स्टाइल हुआ है। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी ये लिस्ट है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करना है, एंड इसके अलावा हमारे इस इनपुट फील्ड को। सो मैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो कॉम्पोनेंट के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर फॉर्म के अंदर स्टाइल्स के अंदर form.js, ये रही हमारी इनपुट फील्ड। अच्छा जी, बॉर्डर तो ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स का हम लोगों ने चेंज किया था। बैक GROUND, स्पेलिंग्स मिस्टेक, सेफ। अब देखिए बैकग्राउंड कलर स्टाइल हो गया है, अब और क्या करना है। और ठीक है, बस ये साइड साइड पे चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड देखा इसका यहाँ पर बॉर्डर भी आ रहा है, बॉर्डर हमें रिमूव करवाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिस्ट जो है मेरी, इसको भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरी आइटम की लिस्ट है, एंड जिसका बॉर्डर रेडियस है 0 pixels, इम्पोर्टेंट भी मैं कर देता हूँ ताकि परफेक्टली यार ये लाजमी स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए। ये देखें हो गई है। अब अगर मैं आऊँ अपने इस लेआउट के अंदर, एंड यहाँ पर इसको मैं अब ज़रा बिग स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार, एंड जो फूटर है इस पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर 0, सेव। देखें इसका बॉर्डर परफेक्टली ख़त्म हो गया। एंड अगर यहाँ पर मैं करूँ पी, इसका मतलब होता है P0 का मतलब पेडिंग 0, आई थिंक ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं आऊँ कार्ड की बॉडी कहाँ पर चली गई है, कार्ड की ये रही बॉडी, बॉर्डर 0। एंड अगर मैं P0 करूँ, नो यार ये काम थोड़ा सा ख़राब है। P0, अगर PT मैं 5 कर दूँ, मतलब कि टॉप से जो पेडिंग है वो मैं 5 कर दूँ, ये कुछ ज़्यादा ही प्ले हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि मुझे सही तरीके से चेंजेस नज़र आ रही हों। यहाँ पर PT जो है हमारा 4 ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिस्ट को थोड़ी सी पेडिंग अप्लाई करनी है, इसको भी मैं PT कर देता हूँ 4। आई थिंक परफेक्ट है। एंड इधर से ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इस तरीके से पेडिंग अप्लाई करना गुड नहीं है, कुछ तो कमी बेशी है यहाँ पर हमारे इस कोड में। लेट मी सी, कार्ड फूटर बॉर्डर 0, वैसे पेडिंग अप्लाई करना बनता तो नहीं है, कुछ मिस्टेक है हमारे इस कोड के अंदर आई थिंक। कार्ड फूटर, कार्ड डिफॉल्ट, कार्ड हेडर, एंड कार्ड हेडर के अंदर हमारा माई हेडर आ जाता है। एंड आई थिंक बॉर्डर बॉर्डर, एंड अगर यहाँ पर एक और मैं लिस्ट ऐड करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट ही मैं कर देता हूँ आइटम को अपनी, कॉपी पेस्ट। एंड यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ डिज़ाइनिंग, सेव। अगर मैं यहाँ पर एक और टू डू ऐड कर लूँ वेब डिज़ाइनिंग के नाम से,
ठीक है, बस इसका थोड़ा सा कलर ना डार्क हो गया हमारी इस लिस्ट का, बाकी काम ठीक है वैसे देखा जाए तो, बिल्कुल परफेक्ट है। एप्लीकेशन सही से डेवलप हो गई, बस थोड़ी बहुत पेडिंग में मसला है, वो बाद में एडजस्ट हो सकती है। अगर मैं चाहूँ तो पेडिंग को 5 भी दे सकता हूँ और काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर मैं पेडिंग को यहाँ पर 5 दे दूँ। अब आई थिंक ज़्यादा बेटर लग रही है, ज़रा स्पेसिंग मिल गई इसको, और इसको भी मैं टॉप से पेडिंग 5 अगर देकर देखूँ, नहीं ये आई थिंक 4 ही परफेक्ट है। एंड यहाँ पर अपना प्राइमरी कलर थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स स्टोर CS में आऊँ, एंड यहाँ पर इसका प्राइमरी कलर जो होता है यार ये कुछ ज़्यादा डार्क है, एंड यहाँ देखो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हम लोग, सेफ। अब यहाँ से मैं अगेन इंस्पेक्ट एलिमेंट से यहाँ से इसका बॉर्डर का कलर कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, वार प्राइमरी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेफ। अब परफेक्ट, सॉरी अब ये परफेक्टली हम लोगों ने प्राइमरी कलर इसका इम्पोर्ट कर लिया है, ये देखें ये प्राइमरी कलर। अब हमारी टू डू एप्लीकेशन परफेक्टली डिटो क्लोन लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है अब तो पहले की निस्बत। सो गाइस फाइनली अब हम लोगों ने हमारी इस टू डू एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर लेआउट परफेक्टली डेवलप कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को हमारी आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों के दिमाग में सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगा। और इसे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन सीरीज़ की एंडिंग करेंगे, यानी हम लोग इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे, Firebase को हम लोग यूज़ करेंगे, Firebase के अंदर हम लोग अपनी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करेंगे, होस्टिंग के तौर पर एज अ Firebase को हम लोग यूज़ करेंगे, और एज अ बैकएंड भी हम लोग लाजमी Firebase को यूज़ करेंगे अपनी इसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो काफ़ी कुछ न्यू थिंग्स आप लोगों को इसे नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगी। सो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, मुझे YouTube पर फॉलो करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, एंड मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बाय बाय।